ऐसे वॉल पर क्यों ट्यूबलाइट कैसे सेट करते हैं वो दिखाएंगे। नए आप पुराना आप ख़राब हो चुका है उसको सेटिंग करेंगे, वो भी इसी वीडियो में सीख जाओगे। तो नए ट्यूब में जो क्लैम्प रहता है उसको सही से रखना है, उसके बाद जो ट्यूब निकलता है वो जो वायर है उसको थोड़ा कट करना पड़ेगा। दिखाते हैं कैसे कटना चाहिए, ज़्यादा कटेंगे तो ख़राब हो सकता है, वो दिखाते हैं कितना कटना चाहिए। और ढक्कन का खोल लेंगे, जो सीलिंग रोज का ढक्कन रहता है उसको खोलने के बाद इसको थोड़ा छील लेंगे, कितना छीलना चाहिए वो भी दिखाता हूँ। सिर्फ एक डेढ़ अंगुल या दो अंगुल ही गैप रहना चाहिए, ज़्यादा छीलेंगे तो जो सीलिंग रोज रहता है उससे बाहर निकल के आएगा जो छिला हुआ हिस्सा, तो दिखने में गंदा लगेगा, तो इसलिए ज़्यादा छीलने का नहीं। छीलने के बाद वो जो कवर रहता है उसको पहले घुसाने लेने का, क्योंकि मैं बहुत बार ऐसा हो चुका है, मैं फिटिंग करने के बाद मैं कवर फिर से लगाने के लिए खुलना पड़ा, तो मैंने गलती किया, आप लोग नहीं करने का, आप लोग नहीं करो, यही मैं चाहता हूँ। तो कनेक्शन कर लेने का अब देखकर ही समझ जाओगे कैसे कनेक्शन करना पड़ता है, तो उसको देखकर कर लेने का। इसको फिटिंग करने के बाद अभी जो मार्क करेंगे, जो होल का मार्क रहता है वो करेंगे वाटर लेवल की मदद से, ये जो मार्क करेंगे तो वाटर लेवल है तो बढ़िया, नहीं होता तो कोई बात नहीं, आप लोग दूर से कोई देखकर बताएगा ये सीधा है कि नहीं है, उससे भी आप कर सकते हो। तो अभी होल कर लेंगे। अगर आप पुराना ट्यूब सेटिंग करेंगे तो ये सब किया हुआ रहता है, तो आप लोगों को इतनी चीज़ें भी ज़रूरत नहीं होता है और ज़्यादा परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं, वो बहुत ही आसान रहता है। जो क्लैम्प रहता है वो लगा हुआ रहता है, तो आप लोगों को जस्ट वो कनेक्शन खोल के पुराना वाला का खोल के नया वाला लगा लेना है, बस बहुत इजी है। इसके लिए आपको कोई इलेक्ट्रिशियन बुलाने की ज़रूरत नहीं होगा, आप खुद ही कर सकते हो। आपने वीडियो देखकर जो सीख तो लिया, तो आप अपने इमरजेंसी में इसको यूज़ कर सकते हो। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है दोस्तों, तो थोड़ा लाइक कमेंट शेयर ऐसा कुछ कर देने का। तो ये जो क्लैम्प है लगा लगा लिया है अभी, अभी जो ट्यूब है फिटिंग हो गया है। तो दोस्तों अच्छे लगे तो लाइक कर देना, और मेरे चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।